जय हिंद। इस साल फरवरी के महीने से ही म्यांमार में जो तख्ता पलट के बाद जो हिंसा हुई है वो जारी है अभी तक। अब तक लगभग 1000 लोगों की वहाँ जान जा चुकी है। अब इसमें यूएन के जनरल असेंबली में जो मीटिंग हुई थी जिसके तहत म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाने थे, भारत उस सैंक्शन में हिस्सा ही न लिया। एक तरह से भारत ने यहाँ के सैनिक शासक का साथ दिया। ये एक ऐतिहासिक गलती होगी क्योंकि यही मौका है हमें कोको आइलैंड वापस लेने का। आप समझते हैं हम लोग नेहरू ने क्या गलती किया था और हम किस तरह वापस एक उपाय कर सकते हैं। इस साल फरवरी में क्या हुआ कि आंग सांग सुकी की जो बहुमत की सरकार थी उसे हटाकर वहाँ के जनरल ने इस सेना को सत्ता को कब्जा लिया और वहाँ सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं अपनी ही जनता के ऊपर। ये लोग हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहे हैं। अब तक लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। अब ये इनका अत्याचार इतना ज्यादा हो गया, इसको लेकर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होनी चाहिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग नहीं हुई, जो ये दिखाता है कि यूएन कितना अपने काम को लेकर मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहा है यूएन को। ना वो इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रोक पाता है, जब इजराइल ने सीज फायर किया तभी हुआ, केवल समझाता है यहाँ पर। और यहाँ जनरल असेंबली में कहा गया कि जो ये है आपका म्यांमार है उसको कोई बड़ा हथियार नहीं देगा। तो भैया उसको बड़े हथियार की जरूरत भी नहीं, वो किसी देश से लड़ने नहीं जा रहा है, अपनी जनता को मार रहा है और जनता को मारने के लिए आर्मी बहुत है क्योंकि आर्मी वेल ट्रेंड होती है। तो आप सैंक्शन लगा के कोई खास फायदा होगा नहीं यहाँ पर। अब इस सैंक्शन में क्या हुआ, म्यांमार के जो इस सैंक्शन मतलब म्यांमार के प्रतिबंध जो लगाना था उसमें 119 लोगों ने मतलब देशों ने समर्थन दिया, तो जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित हो गया ठीक है। लेकिन एक है जो एक देश ने इसका समर्थन नहीं दिया और भारत जैसे 36 देशों ने इसमें एब्सेंट हो गए, भाग ही नहीं लिया। तो भाग नहीं लिए तो एक तरह से म्यांमार के लिए तो ठीक हुआ, चाइना भी इसमें भाग नहीं लिया। तो चाइना को तो समझ में आता है कि ये कम्युनिस्ट देश है, हमेशा सैनिक शासकों को ही साथ देगा। लेकिन भारत यहाँ नहीं गया क्योंकि भारत को लग रहा था कि कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाएंगे तो म्यांमार के पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, चाइना के पास। ये भारत की गलतफहमी है, चाइना अभी भी म्यांमार चाइना का ही साथ देगा। हम लोग को क्या लगता है, भारत को लगता है कि यहाँ पे हम लोग ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम पहले वीडियो में समझा दिए हैं, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे कालादान का, आप देख के समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग हाईवे पोर्ट वगैरह बना रहे हैं, इससे कहीं अगर हम म्यांमार के खिलाफ जाते हैं तो ये म्यांमार पूरी तरह से चाइना के फेवर में चला जाएगा। तो भैया यहाँ पर चाइना वैसे भी हम लोग को चाइना के ही फेवर में जाएगा यहाँ पर। दूसरा, भारत को लगता है कि हम वहाँ हथियार बेचते हैं अगर हम वहाँ के सैनिक शासक का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आंग सांग सू की अब शासक में आने वाली नहीं है, एक लंबा शासन में। तो भारत को लगता है हथियार बेचने में प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया हम लोग कौन सा वहाँ ज्यादा हथियार बेच देते थे, उस पर से प्रतिबंधों लग गया वहाँ पर, तो कौन सी बेचेंगे हम लोग यहाँ पर। और वैसे भी ये सब प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और जब यहाँ पर चीन आ ही गया, क्योंकि सैनिक शासक हमेशा से कम्युनिस्ट का ही साथ देते हैं क्योंकि दोनों अस्थाई रहते हैं, वो भी अस्थाई ये भी अस्थाई। और इसको भी पता है सैनिक इसको म्यांमार को भी कि चाइना उसका खुलकर साथ देगा, भारत खुलकर नहीं दे पाएगा क्योंकि हम डेमोक्रेसी हमारे लिए नियम कानून होता है। अब यहाँ चाइना हावी हो जाएगा। अब चाइना जब हावी हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के पास राखाइन जो प्रांत है यहाँ पर ऑलरेडी इंसर्जेंसी उग्रवाद है, तो ये उग्रवादियों को चाइना ही हथियार देता है। अब स्पेशली वो इधर ही देगा कि भारत के प्रोजेक्ट को रोका जा सके। अब ऐसे ही इंद्र कुमार गुजराल के वक्त में हुआ था, यहाँ के सैनिक शासक म्यांमार से भारत के व्यापारियों को मार के भगा दिए थे, हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी अटका का अटका रह गया था। देखिए इंसान को हमेशा ना एक मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एकदम डिसाइड कीजिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपका साथ नहीं देगा। यहाँ पर ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना दबाव भी झेलना ठीक नहीं रहता है। अब हम लोग को यहाँ पर तो हम लोगों ने सैनिक शासन का साथ दे दिया, अब जितना दिन ये रहेगा भारत के लिए उतना खराब। अगर हमारे लिए 10% अच्छा होता है तो चाइना के लिए 90% अच्छा होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस सैनिक शासक को हटा के आंग सांग सू की सरकार आ जाती है तो 50% वो चाइना की ओर रहती है, 50% इंडिया की ओर रहती है। तो भैया हम 50% गंवा के 10% में काय को खुश हो रहे हैं यहाँ पे। और यही तो मौका था हमें कोको आइलैंड वापस लेने का। अब कोको आइलैंड समझिए ये सबसे मेन चीज है। 1948 में हम लोग का एक आइलैंड था यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास जिसका नाम था कोको आइलैंड। कोकोस मत समझिएगा, इसका नाम है कोको आइलैंड। और अगर कोकोस ले लेंगे तो कोकोस ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, ये कोको आइलैंड। अब नेहरू जी ने ना यहाँ पर 1948 में इस कोको आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। देख रहे हैं नेहरू, यहाँ लिखा फोटो खींचना मना है, फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे कब ऐसे ऐसे, तो इन्होंने म्यांमार को दे दिया। अब भाई ना ही यहाँ पर पूरी तरह से संसद की वो प्रक्रिया अपनाई गई ना कुछ, अब वो छोटा सा आइलैंड था म्यांमार को दे दिया गया। अब म्यांमार का हरामीपन देखिए, वो 90 के दशक में इस कोको आइलैंड को क्या किया उसने, चाइना को दे दिया। अब चाइना इस कोको आइलैंड के पास ना एयर स्ट्रिप बना रहा है, यहाँ देखिए हल्का सा ये एयर स्ट्रिप बनाकर, और सेना यहाँ पर वो लीज पे लिया है, खरीदा नहीं है भाड़े पे लिया है, लीज पे लिया है। अब आपको ही पता है चाइना लीज पे लेता है तो चाइना और अमेरिका रूस कोई चीज़ को लीज पे ले लेंगे तो छोड़वा पाएंगे, नहीं छोड़वा पाते हैं। अब वो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है नेवी को उतारने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर है कोको आइलैंड। अब यहाँ से
भुवनेश्वर में, यहाँ पर भुवनेश्वर के ऊपर उड़ीसा में चांदीपुर है जहाँ पे हम लोग मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, लोग वो आर्मी वगैरह वहाँ पे अपना मिसाइलों का परीक्षण करती है। जस्ट उसके नीचे व्हीलर द्वीप यानी कलाम द्वीप है, वहाँ साइंटिस्ट मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। जैसे साइंटिस्ट पहली बार परीक्षण करेंगे तब ना बताएंगे कि सक्सेस है कि नहीं, तब आर्मी को दिया जाएगा, वो ले जाएगी चांदीपुर वहाँ पे उसका पोखरण वगैरह ले जाएगी, कि पहले ही आर्मी को दे देंगे, लीजिए मारिए धाए दे मारा से जो कहीं और उड़ जाएगा यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ये कलाम द्वीप के पास करते हैं। यहाँ चाइना है, वो यहाँ से रडार के माध्यम से यहाँ नजर रख लेगा। उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे नीचे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, उस श्रीहरिकोटा द्वीप पर यहाँ पर इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन है। तो यहां से ये बैठे बैठे हमारे इन तीनों चीजों पे नजर रख रहा है। तो एक 1948 की गलती जो हम लोगों ने गिफ्ट दिया था, तो हमें लगा था कि म्यांमार हमारा साथ दे देगा। देखिए इतिहास से सीखिए, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। तो हम लोग म्यांमार को खुश करने के लिए दिए, लेकिन म्यांमार में जब सेना आई तो वही सेना इसको भाड़े पे दे दी, किसको, चाइना को। फिर मोदी जी यहां गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि म्यांमार को हम हल्का सा साथ नहीं देंगे, वोट में ऑब्सेंट हो जाएंगे तो म्यांमार की सेना हमारा साथ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, यहां से जो और ऊपर हवा दे देगा। तो बताइए यहां से तो हम गई भी किए। इसके अलावा आप देखिए एक और गलती कहां से हो रही है कि ये जो है हम लोग का, ये म्यांमार है, ये इंडिया है यहां पर। तो ये तो तीन जगह तो नजर रख ही रहा है चाइना यहां से। इसके अलावा इस कोको आइलैंड पे से चाइना क्या चाहता है, चाइना का जितना व्यापार होता है वो इस रास्ते से होता है यहां पर। उसको पता है कि ये जो पतला रास्ता है मलक्का, यहां पर अंडमान निकोबार जो इंडिया का है, यहां पर वो आराम से धो देगी इसकी नेवी, इंडिया की नेवी इसको, इसलिए वो मलक्का आइलैंड को बाईपास करना चाहता है। इस बाईपास के लिए वो यहां से यहां एक सड़क बना रहा है अपने यहां, यहां पे वो आ जाएगा और यहां से उसकी नेवी का पूरा अगले 20 साल का प्लानिंग है कि यहां अच्छी खासी नेवी डिप्लॉय कर देगा। अब इसके जितने जहाज हैं इसके नेवी के प्रोटेक्शन में निकल जाएंगे, हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, चाइना आएगा, चाइना आएगा। तो सोच रहा है एक गलती की वजह से हम लोग कितने जगह से चाइना से घिरते जा रहे हैं। अब मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। देखिए कैसे, ये जो कोको आइलैंड है ये नेहरू जी ने दिया था, नेहरू ने दिया था किसको, वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार को जो जनता द्वारा चुनी गई थी सरकार को। हमने वहाँ किसी के आर्मी को तो दिया नहीं था। अब 2021 में यहाँ पे आर्मी आ गई है तो मोदी जी को चाहिए कि भैया वापस रिकैप्चर कर लो। अब ये कहेगा चुट्टा कि काहे किया काहे किया, तो हमारे पास लीगल है, हमारे पास अच्छा सा एक जवाब देने के लिए उत्तर है कि भैया हम जो ये द्वीप दिए हैं यहाँ की चुनी हुई सरकार को दिए हैं, ना कि किसी आर्मी को दिए हैं। एक काम कीजिए, आप अपना सत्ता सौंप दीजिए आंग सान सू की को, हम वापस ये द्वीप सौंप देंगे। अब इस चोट्टा को जो अपने देश में आदमी को गोली मार रहा है, वो हमारा क्या साथ देगा, वो द्वीप वापस करेगा, ये ठंडा जाएगा यहाँ पर, ये चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। तो यही मौका है यहाँ पर भारत को कि भैया तुम वापस, या तो तुम अपनी सत्ता ले जाओ वापस, आंग सांग किसी को दो, नहीं दोगे तो हम अपना वापस लेके चल जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये चुप बैठ जाएगा, और ये चुप बैठ गया ना तो भारत सरकार को भी यहीं पे मेन मोटो रहना चाहिए हमारा, दो ठो। पहला मोटो कि बहाना से कोको आइलैंड ले लो, उसके बाद जब ये चुप हो जाए इस ससुरा का फाइल निपटा दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा हमारे लिए लॉन्ग टाइम खतरा रहेगा, रिस्क लेना चाहिए। उड़ा दो साले को एक मिसाइल लगा के यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थोड़ी है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप ईरान के ये थे कासिम सुलेमानी, याद है ना, एक साल पहले कासिम सुलेमानी, कासिम सुलेमानी को ये डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल लगा के उड़वा दिया। अब ईरान उतना पावरफुल देश है, म्यांमार की तुलना में बहुत पावरफुल देश है, उसकी इकोनॉमी, जीडीपी, आर्मी, नेवी हर डेवलप है। क्या कर लिए ये हसन रूहानी, क्या कर लिए, चिल्ला के रह गए बदला लेंगे, बदला कहाँ बदला लेंगे, उचल गया ऊपर लुलवा, जो बाइडन आ गए, अभी लोग अमेरिका के पीछे पीछे लग रहे हैं, हाँ हाँ अब इसराइल इनको धमका रहे हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, मार दिया वहाँ पे, दुनिया पूछी कहाँ मारा कहाँ मारा, तो कर आतंकवाद फैला रहा था। तो भैया हमारे पास भी सिंपल सा रास्ता है, ये वाला एरिया रखाइन प्रांत है, यहाँ से बहुत सारे उग्रवादी भारत में घुसते हैं, और ये हमारा पूर्वोत्तर आज से 20 साल पहले इतना अशांत था इस म्यांमार की वजह से, तो हमारे पास भी बहाना है, मार मिसाइल धाए दे उड़ जाएगा, ये चश्मा वाला काम खत्म यहाँ पर। अब जब उड़ गया तो ऑटोमेटिक सरकार में आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि इतना आसान कैसे है भैया, या तो आप, हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका से खुद को, मतलब आप अमेरिका एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए, जब ईरान जैसा देश कुछ नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा ये देश, यहाँ पे म्यांमार क्या कर पाएगा, इस बहुत बड़ा देश तो है नहीं, इसके खिलाफ में 119 देशों ने म्यांमार यूएन में जब वोट किया तो जब 119 देश इसके खिलाफ है तो क्या कर पाए। लेकिन हमारे टीचर हमसे कहते थे कि लाइफ में जब भी कोई चीज़ का प्लान बनाओ तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन यानी एकदम खराब स्थिति को सोच के प्लान बनाओ, तब जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोगों ने ससुरा को मारिए दिए, यहाँ पे मरने के बाद ये आएगी आंग सान सू की, तो इनको सीधा समझौता करेंगे भैया कोको आइलैंड नहीं लौटाएंगे, तो ये कहेगी ठीक है हम जनता में प्रचार कर देंगे कि
देखो, एक महीना दो महीना के लिए फौज वाला आया तो हमारा कोको आइलैंड चल गया, लेकिन फिर जनता भी हमारे साथ आ जाएगी कि भैया हमने इस जालिम को हटा के साथ किया है। दिक्कत क्या होगा, देखिए समझ में, बहुत ज़्यादा क्या होगा इससे कि भाई जनता तो इसकी खुदे इसको भगाना चाह रही है, क्योंकि जनता की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं, जनता खुद इनको लाना चाह रही है, जनता का मुँह नहीं है। जिस तरह से हम अपनी सेना का इज्जत करते हैं वहाँ इज्जत नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बाधा बनेगा चाइना। तो भैया सबसे बड़ी अगर जब बाधा चाइना बनता है तो जरूरी, भाई देखो चाइना म्यांमार पे हमले की वजह से कभी डायरेक्ट भारत से नहीं उलझेगा, कभी नहीं उलझ सकता है, और अगर ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे तो फिर भारत के पास भी सीधा मौका है। सीधा कहिए कि कोरोना कहाँ से फैला, हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी कोरोना है, पूरी दुनिया कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, अब चाइना इसमें आ जाएगा। और तुरंत कहिए कि भैया दक्षिणी चीन सागर अगर चाइना का है तो पूरा हिंद महासागर मेरा है, अब चाइना माथा पटकेगा, रे ससुरा तो हिंद का कह रहा है। अब पूरी दुनिया कहेगी कि देख भैया चाइना तुम इसको अपना कह रहे हो तो भारत इसको अपना कह रहा है, तो चाइना समझ जाएगा कि भैया दूसरे के चक्कर में जाएंगे तो हमारा ये दक्षिणी चीन सागर भी जाएगा और कोरोना के उल्टा सीधा जांच हो जाएगा। तो चाइना की फाइल निपट गई। चाइना अब वैसे भी कोई देश दूसरे के वजह से डायरेक्ट नहीं आता, अब आप ही बताइए ना इजराइल या फिर फिलिस्तीन के चक्कर में हम मार करने जाएंगे, कोई नहीं जाता है, बस ऊपर ऊपर करते हैं। ऐसा क्या किया था 1971 में हम लोग जो बांग्लादेश तोड़े तो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाता यहां पर। अगला समझते हैं इस्लामिक देश। इस्लामिक देश हमारे साथ आ जाएंगे, और इनके साथ आने का मतलब ये 57 देश है। अब 57 देश का मतलब समझिए ना कि एक तिहाई दुनिया हम लोग के साथ आ जाएगी। इनको समझाना बड़ा इजी है, क्योंकि इस्लामिक देश ऑलरेडी म्यांमार से उखड़े हुए हैं सब। 2017 में म्यांमार ने ना रोहिंग्या मुसलमानों को दौरा दौरा मार दिया यहाँ पे, और ये लोग भाग के भारत में आए हैं। तो भारत के पास एक मौका है कि भैया हम रोहिंग्यों को मतलब क्या करेंगे, एक अच्छा सलूक करेंगे। भाई म्यांमार में इनडायरेक्टली समझिए, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। तो ये लोग ऑलरेडी म्यांमार पे भड़के हुए हैं, स्पेशली म्यांमार की आर्मी पर, ये खुद नहीं चाहते हैं वहाँ म्यांमार की आर्मी हो, तो ये लोग हमारे सपोर्ट में आ जाएगा। और इन लोग के लिए कह सकते हैं कि भैया ये जो कोको आइलैंड वापस लाएंगे इस सबको वहीं भेज देंगे कोको आइलैंड पे, क्योंकि हमारे पास भी मजबूरी है। देखिए जो रोहिंग्या है उनको भेज दे भैया कोको आइलैंड पे कि जाओ ऐसा घर और बनाओ कोको आइलैंड पे, वैसे भी हमारा नहीं है, ऐसे लेके आओ यहाँ पे और वहाँ पे तुम आओ मछली मार के खाओ, वहाँ पे गरही मछली खूब खा। क्योंकि अगर हम रोहिंग्या हम लोग के लिए एक तो बहुत बड़ा मतलब समझिए कि सांप छछुंदर का हाल हो गया कि हम उन्हें डायरेक्ट म्यांमार भेज नहीं सकते, क्योंकि म्यांमार कह रही है कि हमारे यहाँ के नहीं है, बांग्लादेश कह रहा है हमारे यहाँ का नहीं है। अब पूरी हम इनको कैसे बोरा में सामान थोड़े बांध के फेंक देंगे, अब वो बॉर्डर सीज किए हुए ले नहीं रहे। अब भारत के पास दो ही ऑप्शन, या तो इन्हें भारत में छोड़ दो चुपचाप, क्योंकि अगर डायरेक्ट फेंकेंगे कैसे, यूएन चला आएगा हम लोग के बीच में, तो आप इन्हें भारत में रखेंगे तो पूरे भारत में फैल जाएंगे सर, नहीं तो इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजिए। सर जो डिटेंशन सेंटर बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा आता है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी स्कूल टूट रहा है, तो इन लोग के रहने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, और जहाँ डिटेंशन सेंटर बना दिए तो यूएन ह्यूमन राइट का नियम है कि एक आदमी पर 60 रुपया कम से कम खर्चा करना है आपको। अब 2 लाख हैं सब तो 60 रुपया करेंगे तो पर डे 1,20,00,000 रुपये इनको खाने के लिए आएगा, उससे अच्छा छोड़ दो भैया को द्वीप पर जाकर तुम लोग रहो। वैसे भी इन लोग को देश से दिया सर, ना हिंदुस्तान की भाषा पता है, ना एजुकेशन, ना कल्चर, तो क्या करेंगे, या नौकरी मिलेगा इनको। हाँ भाई कोई दूसरे देश से आए हम लोग कितना करेंगे आपके लिए, अब वापस म्यांमार एक ना एक दिन जाना ही इन लोग को। अभी के वक्त में म्यांमार के खिलाफ 119 देश हैं सब, इसमें अमेरिका हो गया, ये हो गया, क्योंकि इनको पता है कि अगर म्यांमार में आर्मी का शासन रहेगा तो चाइना वर्चस्व पे आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन ऑलरेडी इन पर प्रतिबंध बना रखा है, यहाँ पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑलरेडी इन पर भड़के हुए हैं, तो 119 देश इनके खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन इंडिया को लेना पड़ेगा, बगल में है यहाँ पर, तो यहाँ से धो सकते हैं, और अगर नहीं धोएंगे तो चाइना बढ़ जाएगा। और याद रखिए अगर हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया तो आने वाले 20 साल में ये म्यांमार का भी हाल वही हो जाएगा जो इस साइड में पाकिस्तान का हो गया है। नीचे चाइना ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, उधर नेपाल में इसे आधा पैर पसार रहा है, और इधर म्यांमार में हो जाएगा, चारों ओर से हम पिसा जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ियां हम लोग से सवाल पूछेगी कि जब देश चारों ओर से घिर रहा था तो आप बैठ के मुंह ताक रहे थे क्या? आप में से कई लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, खान सर कुछ बोलते हैं। देख भैया हम कुछ ना बोलते हैं, हम आपको रियलिटी बताते हैं। 1971 से पहले पाकिस्तान दो जगह था, एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। आपको भी पता है कि म्यांमार से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान है, परमाणु बम है, हमेशा मारने की धमकी दे देते हैं सर यहाँ पर। तो ये दोनों ओर से टॉर्चर करता था, एक इधर से टॉर्चर करता था। तो इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, मानेकशॉ हमारे सेना प्रमुख थे। 1971 में जो धोए हम लोग ने पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लोगों वो पते नहीं है कि उनका ये अपना देश था, उनका पूर्वी पाकिस्तान, आज क्या बन गया है बांग्लादेश। लेकिन ये लोग को पीओके ही चाहिए, ये ससुरा पहले अपना देखो ना गंवा दिए यहाँ पर, ये हाल हो गया यहाँ पर। और ये जो बांग्लादेश है, आज बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से तेजी से ज्यादा बढ़ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कौन चीज देख रहा है, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना,
बकलोल कहीं का, तो हम लोगों ने ऐसा किया है आज से 50 साल पहले किया है, और उस समय जब हम लोग की उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो 50 साल हो गया आज 2021 में, क्या पता हमसे इतिहास कुछ और दोहराना चाह रहा हो, क्योंकि 50 साल का मौका ऐसे थोड़ी, देखिए ना कितना बेहतरीन है। और 50 साल से हमारी सेना कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ी है, सियाचिन में जब लड़ाई था, ऑपरेशन मेघदूत, या फिर कारगिल, ये बहुत फुल फ्लेजेड वार नहीं था, क्योंकि कारगिल में आतंकवादियों के शक्ल में पाकिस्तान की फौज आई थी, पूरा आमने सामने उस तरह से नहीं हुआ था 71 में। तो हमारी सेना का भी जो है ना भुजाएं फड़फड़ा रही हैं, अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी का वो श्लोक याद कीजिए ना, जो संसद में उन्होंने कहा था कि जो लड़ना है जिसे वो लड़ेगा, और अगर उसे लड़ने से रोकेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो दौड़ाइए म्यांमार में, हमें म्यांमार से दुश्मनी थोड़ी है, दूब काम यही बहाने कोको आइलैंड ले लो, वहाँ से सत्ता से हटा दो, काम खत्म। एक बार वहाँ सेना का शासन खत्म हो गया, अब आंग सान सू की ये इंडिया में पढ़ी है, ये इंडिया के फेवर में करती हैं, तो हमारा सारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। हमारे भैया ये टाटा जी का वहाँ ट्रक बिकेगा, टाटा नमक सब चीज़ टाटा बिकेगा, हमारे अंबानी साहब का जियो बिकेगा, है कि नहीं, अडानी का वहाँ पोर्ट बनेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ सेना वाला चाइना को दे देगा, ये हम लोग को देंगे। रामदेव जी का कोरोनिल बिकेगा, क्योंकि इंडिया में तो बिक नहीं रहे हैं, तो कम से कम वहाँ बिकेगा ना, बना के रख लिए, तो ये हम लोग को इतना लंबा प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरा कोको आइलैंड हम ले लेंगे तो इतना एक सरदर्द तो हटेगा चाइना से। देखिए हमारी जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक साबित होगा म्यांमार के मासूम लोगों के लिए, वो मारे जा रहे हैं दिन पर दिन। क्या यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज यूएनओ में लोकतंत्र बचाने के लिए वोट नहीं किया, अब बताइए क्या फायदा हम लोग को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहते हुए? हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगा। और मोदी जी हम आपसे कर रहे, नेहरू जी से जो गलती हुई आप तो सुधार सकते हैं, जब सोने को जंग लग जाए तो आदमी लोहा से क्या उम्मीद रखेगा? आप दिखाइए पराक्रम, 1971 वाला जो हम लोग ने 71 वाली लड़ाई किए थे इंदिरा गांधी के समय, आयरन लेडी कहलाई थी इंदिरा गांधी, वो हमारा शौर्य एक बार देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए हम लोग को? हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम अपना जगह वापस लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से कोको आइलैंड ले आएंगे इस ससुरा को थूर के, तो यहाँ लोगों को समझ जाएगा कि भारत एक ना एक दिन पीओके लाएगा, एक ना एक दिन सीओके लाएगा चाइना जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर। वरना पाकिस्तान की आर्मी को तो इतिहास में ये पढ़ाया जाता होगा ना कि भारत का था म्यांमार दी, उनका मनोबल उड़ रहा होगा पाकिस्तानियों का कि भैया तुम म्यांमार से नहीं छीन सकते तो हमसे क्या छीनोगे, चीनी सेना का मनोबल बढ़ रहा होगा। याद रखिएगा सेना हथियार से नहीं अपने मनोबल से लड़ती है, वरना 6 दिन में इसराइल पूरे अरब देशों को नहीं हरा सकता था वहां पर, तो ये मनोबल गिरेगा। और अगर हम यहां से ले आ देते तो हमारी सेना का मनोबल एकदम सातवें आसमान पर होगा, क्या पता ससुराल यही लग ले के चला जाएगा। देखिए इसमें भारत को पॉलिटिकल प्रेशर झेलने को मिलेगा, जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जब हमास पे हमला करता है पूरी दुनिया खाँ 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 करती है, लेकिन इजराइल का क्या कर पाती है, उसी तरह हम लोग भी जब ऐसे करेंगे तो चाइना और एशिया के एक दो देश पाकिस्तान अगर खाँ 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 करेगा, इस तरह शांति से रहो, कोरोना के बीच में कोई नहीं आने वाला, इस तरह निपटा देंगे। हम लोग के लिए कोको आइलैंड भी जरूरी है, इस चोमू का जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये चाइना का दामाद है ससुराल, यहाँ पे बहुत खतरनाक है। और हम लोग को जो इस पर लॉस होगा उस लॉस की भरपाई हम कोको आइलैंड से आराम से कर लेंगे। जितना इस झमेला में हमें सर्जिकल स्ट्राइक तो करना है ससुराल का, हेड ऑफिस उड़ा दीजिए चल जाएगा वहाँ पर, जितना इस स्ट्राइक में हमको लॉस होगा उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा फायदा हमको कोको आइलैंड से हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यटन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करके दिखाया है, कुछ एयर स्ट्राइक से ज़्यादा बड़का है क्या यहाँ पर? इससे पहले म्यांमार में हमारी खुद की सेना घुस के हमला करके चली आई थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी। देखिए हमें लॉस तभी होगा जब हम यहाँ हार जाएं। और क्या आपको लगता है कि हम म्यांमार में घुस के हार जाएंगे और लोकतंत्र नहीं ला पाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको खुद से ज़्यादा हमारी इंडियन आर्मी पर भरोसा है यहाँ पर। और यहाँ से नागा रेजिमेंट वालों को उतार दो, यहाँ सफाया करके रख देगा सर। याद रखिएगा अगर अर्जुन को श्री कृष्ण का सहारा ना होता तो कर्ण कभी हारा ना होता। इसी वजह से हम आपको कहते हैं अगर इस चोमू को इन दोनों का सहारा ना होता ना तो ये कभी अकेले नहीं पड़ती। तो इतिहास हमसे सवाल पूछेगा कि हम क्या कर रहे थे कि हमारी भारत माँ का आंचल कोई ससुरा पीओके से नोच के ले जा रहा है, कोई अक्साई चीन से नोच के ले जा रहा है, कोई कोको आइलैंड से। क्या आपको अच्छा लगता है, ये बर्दाश्त हो जाता है आप लोग से, आपका खून ना खोलता है यहाँ पर हमारे देश वाला? बताइए इस हरामी ने हम लोगों से गिफ्ट लिया, और हरामीपन की एक सीमा होती है एहसान फरामोशी, हमसे गिफ्ट लिया और यही आर्मी वालों ने चाइना को लीज पर दे दिया। अरे यार इतना इससे ज़्यादा तो कुत्तों को भी तमीज होता है हमारे यहाँ। आप क्या सोचते हैं कि हमको इससे बेहतर मौका मिलेगा? अभी पूरी दुनिया कोरोना से बिजी है, खुद इसके सेना का इसके देश में विद्रोह हो रहा है, तो हमें ये मौका लाना चाहिए। और आपको क्या लगता है, कोको आइलैंड हमारे पास वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।